परासिया में गायत्री परिवार ने 2000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत परासिया के मोक्ष धाम से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गायत्री परिवार के वृक्षारोपण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा कि वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इंसान के जीवन यापन में सबसे बड़ा महत्व पेड़ पौधों का ही है। दिन प्रतिदिन पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, हमें पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लेना चाहिए। गायत्री परिवार द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर SDM मनोज प्रजापति ने भी सभी से वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने की बात कही। गायत्री परिवार के सौजन्य से वृक्षारोपण मोक्ष धाम में कराया गया है। एक अनूठी पहल है आने वाले पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए और पौधों के प्रति अपने प्रेम को विकसित करने के लिए। वर्तमान में हमें पर्यावरण को अधिक से अधिक क्या करके सशक्त बनाना है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। और गायत्री परिवार की जो अनूठी पहल है, अभी सारे क्षेत्र में फैले और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया, 100 वृक्षारोपण यहाँ पर हम लोग सबने मिलकर किया। माननीय SDM साहब, माननीय DSP साहब, तहसीलदार साहब और हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद थे। ये जो वृक्षारोपण किया गया है, ये वृक्षारोपण गायत्री परिवार के बैनर के तले किया गया। गायत्री परिवार के लोग सभी शामिल हुए थे और निश्चित रूप से इस मोक्षधाम में वृक्षारोपण की आवश्यकता थी, क्योंकि जब हम लोग अंत्येष्टि में कोई आते थे तो यहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं होने के कारण लोग धूप में बारिश में यहाँ खड़े रहते थे। तो ये सब विचार करके यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।